इस लड़कियों के मेकअप वाला चेहरा और मूवीज का पोस्टर देखकर कभी अंदाजा नहीं लगा देना चाहिए कि बहुत ही अच्छी हो सकती है, कभी भी धोखा मिल सकता है। और दूसरी दो मूवीज है ना, तो दो डायलॉग भी एक और हो जाए, है कि ना। तो कितने भी अच्छा दोस्त हो या फिर कितनी भी अच्छी गर्लफ्रेंड हो, इतना भी विश्वास नहीं कर लेना चाहिए कि मौका मिलते ही पीछे से चाकू घोंप कर चली जाए या दोस्त चला जाए। तो देखो, ये कहने का मतलब है कि मैंने ऐसे ही डायलॉग जो है मार नहीं दिया है, क्योंकि ये एक डायलॉग मैंने क्यों मारा है, जब आप इस मूवीज के बारे में जानोगे और देखोगे तो समझ जाओगे। और तो कैसे बात करते हैं बोरोजन मूवीज के बारे में, तो हमें दिखाया जाता है 5 साल की एक बच्ची को जिसका नाम फोब होता है, और उनके माता पिता जब वो छोटी होती है तभी से उन्हें ट्रेनिंग दिलवा रहे होते हैं, क्योंकि जल्द ही टोरंटो नाम का एक टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था, वो एक खेल होता है। और जब वो बड़ी हो जाती है तो उस टूर्नामेंट में भाग लेती है, और तभी इसी दौरान उसके पैरों में चोट लग जाती है, लेकिन वो कैसे भी दर्द बर्दाश्त करके उस टूर्नामेंट को जीत लेती है। लेकिन बाद में वो कभी भी किसी टूर्नामेंट में भाग नहीं लेती, उसे दूर ही रहती है। तभी हम देखते हैं कि होप बिस्तर पर होती है और वो चीज़ें कर रही होती है जो ज़्यादातर लड़के जो है बाथरूम में जाकर करते हैं। देखो यार, मैं नहीं करता, आप लोग करते हो। अब जो है होप को जो है बुरी आदतें भी लग चुकी होती है, वो ड्रग्स लेती है, लोगों से बुरी तरह बातें करती है। तो ये मूव स्लोली चलती है, एक तरफ से थोड़ा रोमांस दिखाया जाता है, एक तरफ से ये खेल के बारे में दिखाया जाता है। तो ये मूव मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, बेड सीन भी इसमें है। तो मुझे जो है या तो पूरी तरह से रोमांस दिखाओ या फिर पूरी तरह से जो है एक्शन दिखाओ, लेकिन इसमें जो है सभी चीज़ें बांट कर रख दिया गया है ना, तो किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, थोड़ा सा बस इंटरेस्ट लगा, बाकी कुछ इतना खास नहीं लगा। तो बाकी बात करूँ, IMDb पर इसे 6.1 की रेटिंग मिली है। अब आपकी क्या चॉइस है ये मैं नहीं जानता, अगर आप इस तरह की मूवीज देखना पसंद करते हो तो देख सकते हो। बाकी याद रखना इसमें बेड सीन भी है, तो आप अकेले ही देखना। तो गाइस बात करते हैं दूसरी मूवीज का जिसका नाम है फटाले। डेडी नाम के एक लड़के को हमें दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के साथ जो है एक बार में जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात जो है हेडी नाम की एक लड़की से हो जाता है, और 2 मिनट बातें करने के बाद दोनों जो है पलंग तोड़ जाकर करने लगते हैं। समझ रहे हो ना क्या मैं कह रहा हूँ। अब आगे जाकर जो है डेडी के ऊपर हमला हो जाता है, और जब उसकी जांच करने के लिए और उस केस की इंचार्ज लेने के लिए जो लेडी आती है वो और कोई नहीं, हेलरी होती है। जब डेरिक देखता है हेलरी को तो वो चौंक जाता है, और जब हेलरी देखती है डेरिक को तो वो चौंक जाती है, क्योंकि डेरिक के सामने उसकी ऑलरेडी पहली वाली गर्लफ्रेंड बैठी हुई होती है। भैया राज तो खुल जाते हैं। आगे जाने के बाद जब मूस आगे बढ़ती है तो डेरिक की जो गर्लफ्रेंड होती है उसका चक्कर उसके दोस्त के साथ ही चलने लगता है। इसने उसको धोखा दिया और उसने उसको धोखा दिया, इसलिए मैंने वो जो कहावतें थी वो कही थी। तो यहाँ पर जो है कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डेरिक की जो गर्लफ्रेंड और उसका दोस्त होता है उसका मर्डर हो जाता है। अब किसने किया, डेरिक ने, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया, उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया, या फिर इसका फायदा कोई और उठा रहा है, क्या है कहानी, ये जानने के लिए आपको ये मूवीज देखनी पड़ेगी, जो कि एक थ्रिलर मूवीज है। तो मूवीज इतना भी बोर नहीं करती है, एक नॉर्मली टाइम पास के लिए अगर कोई मूवीज नहीं हो तो आप देख सकते हो। बेड सीन भी इसमें 3-4 जगह पर भरे पड़े हैं। तो बाकी बात करूँ IMDb पर इसे 5.1 की रेटिंग मिली।